सीकर जिले में इस समय चोरों का आतंक जमकर फैल रहा है। चोरों के निशाने पर सीकर शहर, रींगस, फतेहपुर, नीमका थाना क्षेत्र के व्यापारी अधिक हैं। अभी शनिवार को ही रानी सती रोड पर अग्रवाल स्टील की दुकान में हुई चोरी का पता भी नहीं चला था कि रविवार को राधा किशनपुरा में चोरों ने एक मकान को निशाना बना दिया। राधा किशनपुरा में साई मंदिर के पास निवास करने वाले अजीत सिंह अजमेर गए हुए थे, पीछे से चोरों ने उनके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात का पता रविवार को उस समय चला जब अजीत सिंह का बेटा, जो जयपुर में काम करता है, वह घर पर आया। इस दौरान उसे घर के कमरों के ताले टूटे हुए मिले, जिसकी सूचना अजीत सिंह और पुलिस को दी गई। सूचना पर अजीत सिंह अजमेर से सीकर आए और पुलिस को चोरी किए गए सामान के बारे में पूरी सूचना दी। उल्लेखनीय है कि सीकर जिले में इस समय चोरों का आतंक फैला हुआ है। पुलिस से बेखौफ चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ऐसी वारदातों से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। लोग इससे डर के मारे अपने घरों को सूना छोड़ने से भी कतराने लगे हैं। आसपास राधा किशनपुरा से अपने अजीत सिंह कोई तो कलर ले ले राजपूत है, उसका बच्चा विजय सिंह आया कि हमारे घर में चोरी हो गई है मकान में। तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप अजमेर गए हुए हैं शुक्रवार के दिन, और पड़ोसियों ने टेलीफोन करा, मैं भी जयपुर रहता हूँ, कि आपके मकान के दरवाजे खुले हुए हैं। तो उक्त सूचना पर मौके पे पहुँचा तो मेन गेट का लॉक लगा हुआ है, अंदर से लैट्रिन बाथरूम के पास एक दरवाज़ा है, साथ प्रवेश वहीं से कराया उन्होंने उसको तोड़ के। अभी उसके माँ बाप नहीं आए अजमेर से, आने के बाद पता पड़ेगा कितनी चोरी है, वही बता पाएंगे, बच्चा कुछ नहीं बता रहा। कहाँ का है उन्होंने? ये राधा किशनपुरा का है सीकर। मैं जयपुर में कोचिंग कर रहा हूँ, पापा का फ़ोन आया था मेरे पास में 9-10 बजे के लगभग। पापा ने कहा कि घर पे चोरी हुई है, पापा को पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया था कि आपके घर पे लॉक खुले हुए हैं। तो फिर क्या किया? फिर मैं जयपुर से यहाँ आया हूँ और आके थाने में जाके और ये आगे कार्रवाई हो रही है। अभी कितने का क्या चोरी हुआ ये अभी पापा मुझे बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह।